मौसी नूना दे के चरणों में बेटे पूर्णमल का प्रणाम। मौसी, ए मौसी, अरे पाया मत हो, एक मिनट हाँ, मेरे महल में इतना सुंदर, इतना सुशील, इतना खूबसूरत, इतना सॉलिड बॉडी वाला लड़का आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। आप कौन हो, आपका नाम क्या है? मौसी, मेरा नाम पूर्णमल है, मेरे पिताजी का नाम सलेमान है। आप उनकी छोटी रानी हो, मतलब मेरी छोटी माता हो, तो मैं आपका दर्शन करके आशीर्वाद लेने आया हूँ। एक मिनट, हाँ रुक, आशीर्वाद दूंगी तुझे, दूंगी, पर एक बात बता। हाँ, आपने मुझे क्या कहा? मौसी, नहीं मौसी से पहले माँ। माँ? हाँ। अच्छा तब बताओ, मैं इसकी माँ लग रही हूँ? नहीं लगती ना, पागल, तेरी माँ नहीं लगती मैं। रे मेरे बाप की बहू मेरी माँ लगी, और तना बुआ कह दूँ मैं ना, तो बुआ भी मत के, फिर मुझे और कुछ कह दे, और कुछ, और के कह दूँ, खोल के बता, कुछ अंदर की बात कह दे, कुछ दिल की बात, अंदर की बात। हाँ मम्मी कह दूँ? नहीं, फिर कुछ और, कुछ और, कुछ चाची ताई बुआ बाण भतीजी के कह दूँ तो ना? अरे नहीं पागल, फिर तू मुझे एक बार प्यार से, हाँ डार्लिंग कह दे, जानू कह दे, जाने मन कह दे, बाबू कह दे, बच्चा कह दे, दिलरुबा कह दे, कट्टो कह दे। रे मौसी शर्मा ले, ये सारे शब्द तने मेरा बाप कहवा दे, क्यों बेटा गा लिया? सुने, तू मेरी माँ है, माँ माँ, हाँ माँ, माँ तेरी माँ, माँ। अरे सुन मेरी बात, कि जिसकी कोख से जन्म लिया, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जोबन काम दे मेरा ना काबू में आता। देख मौसी, तेरे जोबन ने काबू में मेरा बाप करेगा, मन आशीर्वाद दे दे जाऊं। मेरी बात सुन, हाँ तन्ने आशीर्वाद दूंगी। अच्छा, पर पहले एक बार महल के अंदर आ ना, अंदर कौन है? ना ना आजा ना, तन्ने बढ़िया वाला आशीर्वाद दूंगी, जो बढ़िया से बढ़िया वाला होता है। आशीर्वाद नहीं चाहिए, मैंने तेरे विचार ठीक नहीं लग रहे, मैं चला महल से। अरे सुन सुन सुन, हाँ तू कहाँ जा रहा है? और सुन मेरी बात है, मैं भी वही कर रहा था। अच्छा हाँ, पर मुझे लगता है पुराने, हाँ कि जो बात मेरे दिल में है, जो बात मेरे मन में है, हाँ वही बात तेरे दिल में भी है। मेरे में? तेरे दिल में भी है ना? क्यों? क्योंकि देख कैसे मौसी की गैल कैसे ढूंगे मार मार के नाच रहा था। मौसी कसर तू भी नहीं छोड़ी, तू भी भिड़वाना है रिशा। अच्छा, इसी को ही बात बोला, सुन ले मेरी बात, और मेरी बात सुन पूरण। हाँ देख, मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा? ना नहीं मानेगा मेरी बात ना। ओ मंत्री डट जा, देख मैं तेरे फायदे की बात कह रही हूँ, फायदे की बात। अच्छा पागल, मेरी बात मान जा, तेरी मौज कर दूंगी मौज। मौसी मन मौज नहीं करवानी, मौज तू मेरे बाप की कर दे, देख वो बैठा। देख तेरा बाप तो हो लिया बुढ़ा। अच्छा, तेरा बाप पूरा हो गया 80 साल का गुरुजी, तेरा बाप पूरा 80 साल का हो गया, 80 साल का। हाँ, इसकी तो बैटरी खत्म हो गई। हेलो, बैटरी खत्म को ना, तू कने जाके देख, बिटा और पकड़ देगा यो। मेरी बात सोने, हाँ कहते हैं कि सड़कों में फूल खिलने लगे तो इन बागों का क्या होगा? कि सड़कों में फूल खिलने लगे तो इन बागों का क्या होगा? और पूरणमल अगर प्यार मोहब्बत इन जैसे बुढ़े करने लग गए, तीन नौजवानों को क्या होगा? हेलो, क्या तलवार पुरानी है पर काट वही है? अच्छा, तलवार पुरानी है पर काट वही है, और ये बुढ़े बेशक पर इनके थाट वही है। मेरी बात सुन। हाँ। देख अपने बाप की बात छोड़। अच्छा, तू अपनी और मेरी बात कर। तेरी मेरी के बात करूं? देख पागल, जो मैं तेरे जो मैं तेरे से कह रही हूँ ना, हाँ मेरी बात मान जा, और देख मैं तेरी बहुत, बस
ना मौसी ना तू मेरी माँ है, मार होगी पूरी जिंदगी। अच्छा हाँ। तो नहीं मानेगा मेरी बात, मैं नु कह रही फालतू मत बोल वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी। हाँ। के फालतू मत बोल वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी, और इस मौसी से ज्यादा पंगे लेगा ना तो तिरन नीबूसा निचोड़ दूंगी। तो मौसी निचोड़ दे नीबूसा, के निचोड़ दे नीबूसा, जमा छावेगा नींबू मरे स्पेशक ना हो पर भी जरूर पावेगा। लेकिन मानू को ना बात में नहीं मानेगा ना, तो सुन मेरा बूढ़ापा दम बस करे छेड़ी खानी, और मेरी जलती जवानी वाले पानी पानी, मेरी जलती जवानी वाले पानी पानी। देख तेरी मेरी जोड़ी बिल्कुल बढ़िया बैठती है ना, फिट है ना तेरे भाभी की और मेरी जोड़ी। देख मैं कति सच्ची बात कह रही हूँ। हाँ। पागल तू मेरी बात मान जा, सुन मेरी बात, देख पूरण मैं तेरे से आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा? ना मौसी ना, मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा? मौसी बात बेशक नहीं मानो पर छोड़ देनी पकड़ मैं भी लूंगा। मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगा? ना देख पागल, ये दिन और ये जो रात है ना, हाँ, और ये जो टाइम है, ये जो वक्त है, अगर एक बार निकल के फिर दोबारा नहीं आएगा। अच्छा हाँ, पछताता रह जाएगा। कोई बात ना मौसी, मेरी माँ है तो माँ शर्मा ले थोड़ी बहुत। माँ माँ देख मैं तेरी माँ नहीं हूँ। माँ नहीं है ना? क्यों? मैंने पहले कही थी ना तुझे कि जिसकी कोख से जन्म लिया तू उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। माँ मौसी में फर्क नहीं कि वो कल बिगड़ गई तेरी। अच्छा। और बेटे पे बदनी दर है तू, माँ धर्म की मेरी शर्मा ले मौसी। एक अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पुराने तो हो सकता है तुझे मैं अपना दूसरा रूप दिखा दूँ। दूसरा रूप कौन सा? तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं? मौसी औरत के रूप कई होते हो ना, पर तेरे कई रूप है, तेरा ताली नागण काली नाश करण वाली भूडे मुंह वाली। अच्छा वो चाली फलानी दिखाली गणे रूप है तेरे। देख हाँ। अब तेरा ये जीवन का आखिरी दिन है, सुन ले मेरी बात। अच्छा तन मरवा तू, तन मरवा तू रा चाके झूठे फे, मैं जानू सू होया तेरी आविस की बे, मैं जानू सू होया अमित कहे मूंगा मैं ना लिकड़े ते, अमित कहे मूंगा मेरा लिकड़े ते, कैलाश चंद्र राम ने, कैलाश चंद्र राम ने तेरी निंदा ना संसार करे, आजा ना ना आजा ना ना आजा पूरे प्यार करे, बदना तू इनकार करे, आजा पूरे प्यार करे बदना तू। देख मौसी हाँ? मन्ने नहीं करना तेरी गल कुछ भी, मैं चल अपने घर। अच्छा तो जा, तू अपने बाप के धोरे क्या जाएगा? अरे तेरे बाप के धोरे तो अब मैं जाऊंगी, देख के सांग काटूंगी। आजा आजा अरे रानी न्यूना दे, ए न्यूना दे, अरे अरे क्यों गया रानी? रानी अरे क्यों हुआ? क्या हुआ? हाँ अरे वाह महाराज वाह, आपको मेरी भेषभूषा दिखाई नहीं देती? अरे देख मैं के देखू, मन ने दिखा थोड़ी रही है तू। देख मुझे पता है तू मेरे साथ रोज मजाक करती है। मजाक? हाँ अरे मजाक तो कोई और कर गया मेरे गेल। निना देख कैसी बात करती है? कैसी बात? हाँ मैं नू कह रही हूँ। साफ साफ क्यों नहीं कहती क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ अरे क्या हो गया? आपको मेरी भेषभूषा दिखाई नहीं दे रही? तेरे बाल बिखरे पड़े हैं। हाँ। तेरी चुंदड़ी फटी पड़ी है। हाँ। सूट फटा पड़ा है। हाँ। ये भी फटा पड़ा है। हाँ। सबकी में फटा पड़ा, छेद हो गए छेद मोटे मोटे। अच्छा तू ये बता। हाँ। मैंने अपना बेटा
तेरा आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। आशीर्वाद? हाँ। अरे ले गए वो बढ़िया वाला आशीर्वाद। तेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, हाँ, मैं नु कह रही हूँ अपने उस पूत कपूत को यहाँ पर बुला एक बार। अरे क्यों हो गया? क्या हो गया? मतलब तेरा कहने का ये मतलब है कि जो ये तेरा हाल है, हाँ, वो पूर्णमल ने करा है। और क्या, ना तो इसने करा, इसने। बड़ी पागलों वाली बात करती है। अच्छा, तू झूठ बोलती होगी। मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ। अच्छा, क्यों झूठ बोलूंगी मैं? क्या फायदा है मेरा? अरे मेरा पूर्णमल अभी 12 साल का है। हाँ। और इतिहास और शास्त्र इस बात को कहते हैं कि 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कभी चरित्री नहीं हो सकता। तू गलत कह रही है। एक बार बुला उसे। बुला लूं? हाँ। पूर्णमल हाजिर हो। प्रणाम पिताजी। के? प्रणाम पिताजी। मन्ने तेरी प्रणाम ले ली। अच्छा बेटा, तेरी मौसी के पास में आया। हाँ। तो तेरी मौसी कह रही है कि तू आशीर्वाद लेने जब आया तो तूने कोई बदतमीजी कर दी। पिताजी मैं तो आशीर्वाद लेने गया था। हाँ। मौसी बिना कहता हूँ थी बाज गया मैं। बाज गया? हाँ। ये क्या कह रहा है ये? आ, देख देख कितना भोला बनना तेरे सामने। तू इसने टापर मानना होगा, बच्चा मानना होगा। और के? पर तन्ने नहीं पता, जितना छोटता है उतना ही। न्यूना दे। हाँ? ये मेरा बेटा है। अच्छा, और तेरा धर्म का बेटा है। अच्छा। हाँ। जो तेरा बेटा है और मैं? तू तो पत्नी है मेरी, धर्म पत्नी है। हाँ तो? फिर तो तू मुझको प्यार नहीं करता? नहीं, प्यार करता तो हूँ, लेकिन तू मेरे बेटे को पे के इल्जाम लगावे है। इल्जाम नहीं, सरासर सबूत है। सबूत जख्म दिखाओ। बोल भी नहीं लिख रहा, के कर रहा इसने? बापू के तो इसने भूख लाग रही है के इसका खाज हो रही है। ये खाज नहीं, मैं तेरी हरकत बता रही हूँ, तूने मेरी क्या करी है? इसने करी, इसने। मेरा पूरण मल से गंगा जल, मेरा पूरण मल से गंगा जल, ना इसमें गाद कति से। मेरे रोज महल में आवे जावे इसमें झूठ कति से। मेरे रोज महल में आवे जावे इसमें झूठ कति से। युद्ध 12 साल रहा भोरे में पूरण पूत जती से। मन साप बता दे, मन साप बता दे थारे दोनों में कौन सा मेरा पति से। मन साप बता दे थारे दोनों में कौन सा मेरा पति से। न्यूना दे मैं सु तेरा पति। मेरी बात सुन ले कान खोल के महाराज। हाँ। अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। अच्छी बावली बात करे। अरे एक म्यान में एक ही तलवार है, दूसरी को ना। अरे महाराज इसने तो दूसरी तलवार बाढ़ के म्यानी फाड़ दी। महाराज झूठ बोलने की अदो या करे नु बता, मेरे पैस की म्यान फट जाएगी। तो अरे तू तो पट्टी पट्टी म्यान ने फाड़ दे। जो 24 घंटे मेरी गैल मेरी बांधी रहती है, दासी रहती है, आप उससे पूछ लीजिए उस टाइम उस वक्त वो वही थी। बता पूर्णमल। बुला लो बांदी ने। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की। बांदी हाजिर हो। जी महाराज। आपने क्या देखा? मैंने देखा ये महारानी के साथ बहुत गंदी गंदी हरकत कर रहा था। तेरे मवाद को ना मेरा ले ले तू। हाँ ये बता, तू तो पूरा जोर लगा रहा है। जी महाराज मैंने देखा ये महारानी के साथ बहुत गंदी गंदी हरकत कर रहा था। कम पड़ रहा तो मेरे लिए दूं? ना ना, सच सच बोल, तुझे तेरे भगवान की कसम। मैं सच कह रही हूँ महाराज। क्या देखा? बहुत गंदी गंदी हरकत कर रहा था ये। पूर्णमल क्या कहेगा सफाई में? सफाई में? अच्छा बांदी ने बता, तेरे
है? हाँ मैंने देखा है। कित थी तू? मैं बेड के नीचे। महाराज यो बेड के नीचे होती मैं कुछ कर देता, लड़ना बेड है ठुक ठुक नहीं मर जाती हो। देख नहीं ना दे, पहली बात तो तेरी बांदी दांत काट काट के हंस रही है, देखो 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 हंस रही है गे, हंसे है तो ये गवाही नहीं मानी जाएगी, फेल। ला अच्छा ये फेल कर दी तन्ने और तो कोई बात नहीं महाराज, एक बांदी और है उससे पूछ। तो दूसरी बांदी भी हाजिर हो। बताइए का तेरा नौकरू राजा तनु का, बताइए बांदी जोर लगा के बोल, जोर लगा के आवाज आती है आवाज। ए न्यूना दे, इतनी सुतरी सुतरी बांदी रखेगी तो ठम तो होना ही है भाई। वाह रे वाह, बेटा उधर फिसल गया बाप इधर फिसल रहा देख लो। पर तू एक बात सुन, हाँ? बाप भी पूरा भगत है और बेटा बड़ा भगत। हाँ, भगत है दोनों आसार बापू के चेले हैं। ये तेरी भूल है। अच्छा बोला बोला तो बाज की। अच्छा बांदी बोल दे तू। बोल तन्ने के देखा। मैं गुरुजी, मैं तेरा गुरुजी कौन है? मैं राजा सुईब। बेटा बोल शाबाश, के देखा? राजा जी हाँ, मैं गेट के पीछे थी। फिर बाहर निकल जाती? मैंने देखा इसे बहुत बहुत गंदी हरकत कर रहा था ये। पूरा ऐसे मारे नहीं नहीं, मर्यादा का ध्यान रखे महाराज। एक बात बताओ, हाँ? ये दो दो बंदीर इनकी रानी गैल गलत काम होने लग रहे, ठाक नहीं फेंक देती मने। एक बार इधर को मुकर देखिए, हंसे क्या अभी? अरे तेरा बेटा ऐसी बात कर रहा तो हंसी तो आएगी। मेरी बात तू बात ही इसी करवा रही है। मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं? तू आंगली ना दे, बता रहा हूँ मैं तन्ने। देखे अगर मैं तेरी बंदी की बात मान के, अच्छा, और बेटे को सजा दे, अच्छा, काल नहीं देश के कहेगा, तो इसका मतलब मैं के राजा राजा होके लुगाया की बात तब आ गया। न्यू ना दे, कोई मर्द हो और मर्द न्यू कह दे कि मेरे बेटे में खोट है, एक भी नहीं सुनूंगा किसी की, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही, मेरी बांदी झूठ बोल रही है? ये सब झूठी है। अच्छा तो ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ महाराज तो ठीक है, मैं मरूंगी। महाराज डांट लो इस नन्नू, कह दो पीछा न मर जाएगी ना, तुरंत सच में मरी निकलेगी। मैं कह रही हूँ फैसला कर मेरा, नहीं तो मरूंगी। न्यू ना दे, मर मत। और यो मेरी गैल मरेगा। मेरी बात सुन, हाँ, मरे मत ना। थारी घर की लड़ाई है, हाँ, माँ बेटा की लड़ाई है। अच्छा कोई बात ना, छोड़ दो घर की लड़ाई। हाँ मतलब छोड़ दो है? कोई बात ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टापर है मेरा बेटा है। कोई बात नहीं, टापर है तो काम चलाओ, घर का माल है तो ए कोई बात नहीं। ना बोले तेरे दो चार यार दोस्तों उनको बुला ले। लूटाते अगर तेरे पास कोई मर्द गवाह है, हाँ, तो मैं आगे मुकदमा बढ़ाऊंगा, नहीं तो ना तो यही खत्म मुकदमा। तो है महाराज, बताइए इस भरी सभा के अंदर वो शख्स बैठा है जो बोल सकता है? एक मिनट तू बता भाई, तू गवाह तू तन्ने के देखा है? तू बता तन्ने के देखा है? यो बच्चा ठीक है? अगर ये बच्चा ठीक है तो ताली बजा के बताओ सारे। न्यूना दे, पूरा देश इसकी गवाही दे रहा है। अरे इनको क्या, ठीक है? अरे इनको क्या पता जो मेरे साथ हुआ वो तो एक कमरे के भीतर हुआ। लेकिन तूने इस बात को उजागर करके मेरी नाक काट दी। तन्ने इसने देख के क्या कर दिया? कोई मर्द गवाह हो तो बता, ना तो टेम बहुत हो लिया, मुकदमा खारिज कर। तो है महाराज इस भरी सभा के अंदर वो शख्स बैठा है जो बोल सकता है। बोला कालिया जल्लाद हाजिर हो। बोला कहिए महाराज। थोड़ा पीछे चढ़ना हो रहा है। हाँ भाई तन्ने के देखा रे? अरे महाराज मैंने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। तो फिर तन्ने मेरे तो बताई क्यों ना? तो सुनिए महाराज, उस टाइम के महल का महारानी का मंजर जब आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ तो महाराज उस टाइम महल के अंदर मानो बादल गजरे हो महाराज, बिजली कड़क रही है, बहुत खतरनाक मंजर था, बहुत खतरनाक। मतलब देखो रे झूठ बोलने की है दो है, ओड टाबर
अरे यो गलत काम कर, बिजली कड़का देगा यो, बिजली तो इनमें बिना कड़कती होगी भाई रे। होश में होकर बात कर, भगवान को साक्षी मान के बात कर, झूठ बोलेगा तो नरक में जाएगा। बिल्कुल, मेरा इकलौता बेटा है और इस शालकोट नगरी का होने वाला राजा है, मेरे को दूसरा लड़का नहीं है, मेरा दीपक बुझने का टाइम आ रहा है। भगवान को साक्षी मान के सच बता, क्या मेरा बेटा मौसी के महल में आया था? बिल्कुल। क्या इसने गलत हरकत करी? जी। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। बोल नहीं बोल। मका दादी जी मानी जाओ, इतना बड़ा बेटा बना लिया, मन ने और कह दे बेटा। मेरा फैसला कर, फैसला टॉपिक पे आ। अच्छा ना करूँ तो? ना कर, मरूं। भाई तेरे के जाओ। मरूंगी। देखे ताई, मरूंगी। सुन सुन मेरी सुन भाई, अरे जो लुगाई रोज नुगे ना, मरूंगी मरूंगी वानी मरिया करती कंधे भी। अच्छा मैं मर के दिखाऊ? तू तो मर जाएगी। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, न्यू ले जाएगा ठाक जुड़ू पल्लेदार बोरी ले जा है। जल्लाद जी महाराज, भगवान की कसम खा, भगवान की कसम, न्यू को देख पर जा की तरफ को। भाइयों माई खटा मुत है, देखो ये भी असरा है क्या? नहीं असरा तो ये गवाही पास की जाती है। महाराज मैं एक बार पूछ लू इस था, तेरी बात सब झूठ और इन दोनों की बात सच्ची? चाकू देख कचारी देख और देख तलवार की धार और तेरी काली करतूतों का काला चिट्ठा इस भरी सभा में खोलेगा ये चौकीदार। भाई कित था तू उस टाइम पे? मैं उस टाइम गेट के ऊपर खड़ा हुआ था। गेट तो कमरे तो बहुत दूर है, तने क्यों कर देखा? महाराज मैंने महारानी के महल से बंदा बता दे और सैन कक्ष में गुप्ती मोरी बनवा रखी। गुप्ती मोरी? गुप्ती मोरी हाँ बिल्कुल। मतलब गुप्ती मोरी बनवा रखी, उस मोरी में सब कुछ दिखा है तने? तो इसीलिए तो बनवा रखी है महाराज। फिर यो तो आपने भी देखता होगा। बिल्कुल। और देख बेईमान हंस भी नहीं रहा, इसका मतलब यो सच कह रहा है। जा सकते हो गया विश्वास? देख न्यूनदे विश्वास तो हो गया, हो गया। पर लेकिन एक बार और सोच ले के? इकलौता बेटा है। अच्छा। और मैं बुढ़ा हो लिया, आगे होने भी बंद हो लिए। अच्छा कोई बात नहीं, बेटा तो एक है, बहू तो दो दो ले रहा है ना, इस वजह सोच रहा है। नाश ना कर, एक बार और कह रहा, मान जा। ना मानो मेरा फैसला कर, मान जा तो मरूंगी। अरे रुक जा, जा तू मरी जा, जा जा खड़ी जा, ठीक है तू घर जा, मैं इसको सजा दूंगा। जा कर, फैसला करिए।